सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं यूपी की एक बहुत ही फेमस डिश जिसका नाम है उड़द गोश्त। तो बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी होती है और अक्सर वहाँ पर शादियों में ये ज़रूर ही बनाई जाती है और ख़ासकर ये हापुड़ वगैरह की साइड में बहुत ही ज़्यादा बनती है, लोग बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसी उड़द गोश्त की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने दो पार्ट्स में रेसिपी को डिवाइड कर दिया है। तो पहले पार्ट के अंदर हम उड़द को बॉईल करेंगे। तो ये मैंने लिए हैं साबुत उड़द, इस तरह से देख लीजिए, ये काले रंग के होते हैं और साबुत उड़द होते हैं छिलके वाले और ये हार्ड होते हैं, तो इसलिए इनको रात भर भिगोना ज़रूरी होता है। तो मैंने इनको अच्छे से धो के रात भर के लिए भिगो दिया था। अब ये फूल के काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, तो मैंने लिए हैं ये 2 कप उड़द। 1 किलो मेरे पास मटन है तो उस हिसाब से मैंने 2 कप उड़द लिए हैं। आप चाहें तो कम या ज़्यादा इनकी क्वांटिटी अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। तो उड़द को मैं बॉईल करूँगी तो इसके अंदर डालूँगी 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 तेज़पात के पत्ते। तो प्रेशर कुकर में बॉईल करूंगी मैं। प्रेशर कुकर में हमने उड़द डाल दिए हैं, अब साथ में हम डाल देते हैं नमक, तेजपात के पत्ते, हल्दी और ये लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च या अगर आपके पास पीली मिर्च है, जो कि ट्रेडिशनली पीली मिर्च ही इसमें डलती है, वो भी थोड़ी सी डाल सकते हैं, लेकिन वो सभी लोगों के पास नहीं होती इसलिए मैं पीली मिर्च यूज़ नहीं कर रही हूँ। और 1.5 लीटर के करीब हम इसके अंदर पानी डाल देते हैं, बस इसे मिक्स कर देते हैं। और प्रेशर कुकर का अब हम लगाएंगे ढक्कन। मीडियम फ्लेम पर पहले हम 1 सीटी लेंगे, फिर लो फ्लेम पर हम इसको 15 से 20 मिनट पकने देंगे, जब तक कि हमारे उड़द जो है बहुत अच्छे से गल नहीं जाते। जब तक हमारी दाल गल रही है हम देख लेते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स। तो 1 किलो मैंने मटन लिया है, हड्डी वाला गोश्त है और आप चाहें तो इसकी जगह बड़े का गोश्त भी ले सकते हैं। तो ये गोश्त मैंने अच्छे से धो के छन्नी में डाल दिया था, अब इसका पानी नहीं चढ़ चुका है। और इसके अंदर जाएगी 3 मीडियम साइज की प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया है, 1 प्याज को मैंने बारीक काटा है, ये जाएगी इसके तड़के के अंदर। और 1/2 कप मैंने ली है दही, आप चाहें तो इसकी जगह 2 से 3 टमाटर भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो दही और टमाटरों को दोनों को स्किप भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। 5 से 6 हरी मिर्चों को मैंने काट लिया है, ये कम तीखी वाली हैं। 1.5 से 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके मैंने इसको लंबाई में काट लिया है और 1 लेमन का इसका जूस जाएगा। 2 टेबलस्पून भर के मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है नमक, 1 टीस्पून नमक हम पहले ही उड़द में डाल चुके हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 6 हमने लिए हैं हरी इलायची और 10 हमने लिए हैं लौंग। तो बस हम सबसे पहले अपनी दाल को देख लेते हैं। दाल हमारी अच्छे से गल गई है, ये देखिए आप एकदम सॉफ्ट हो गई है ये। तो इसको मैं रख देती हूँ दूसरे चूल्हे पर और साथ ही में मैं इसको एक घोटे से इस तरह से घोट लेती हूँ ताकि जो दाल है हमारी एकदम मैशी मैशी सी हो जाए और इसके अंदर लेस आ जाए। तो बस दूसरे चूल्हे पर ट्रांसफर करके मैं इसको बीच बीच में इस तरह से घोटती रहूंगी, फ्लेम बिल्कुल लो कर दूंगी। गोश्त गलाने के लिए हमने एक प्रेशर कुकर में 1/2 कप ऑयल लिया है, बाकी का ऑयल हम इस पर जब तड़का लगाएंगे तब डालेंगे। आप चाहें तो तड़का ना भी लगाएं तो भी एक अच्छा बन जाता है, लेकिन इसका जो लुक है वो तड़का लगाने से थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो सबसे पहले इस ऑयल के अंदर मैं डाल देती हूँ लौंग इलायची, सेकेंड फ्राई होने देती हूँ और अब हम डाल देते हैं 7 मिनट के प्याज, और प्याज को लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज हमारी लाइट गोल्डन फ्राई हो गई है, बस अब हम डाल देते हैं इसके अंदर मटन। डाल देते हैं हम अदरक लहसुन का पेस्ट, और डाल देते हैं इसके अंदर सूखे मसाले जो कि धनिया पाउडर, नमक,
पिसी हुई लाल मिर्च, नमक और मिर्च आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं, और हल्दी। और थोड़ा सा हम इसे अच्छे से भून लेते हैं। तो हमने थोड़ी देर के लिए गोश्त को भून लिया है, थोड़ा सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो बस अब हम इसके अंदर डाल देते हैं दही, जो कि बिल्कुल ऑप्शनल है। वैसे मैंने जिनसे ये रेसिपी पूछी थी तो उन्होंने दही को मना किया था। अब आपकी मर्जी है, दही डालें ना डालें, थोड़े से टमाटर डाल लें। कुछ लोगों ने मुझे बताया था कि टमाटर भी डाल सकते हैं। साथ ही में मैं डाल देती हूँ उसमें थोड़ा सा पानी, पहले दही मिक्स कर लेती हूँ। डाल देते हैं हम इसके अंदर आधा कप पानी, क्योंकि अभी हमें गोश्त को गलाना है। अगर आपके पास बड़े का गोश्त है या आप कुकिंग पॉट में बना रहे हैं तो फिर आप कम से कम 2 ग्लास पानी डालिएगा। और इसको अब हम कवर करके मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लेते हैं, फिर लो फ्लेम पर हम इसको 10 से 12 मिनट चलाते हैं, जब तक कि हमारा गोश्त 90% गल नहीं जाता। गोश्त गल गया है और 90% गल चुका है ये, और इसमें से जो पानी था वो भी ड्राई हो गया है। तो दूसरी तरफ हमारी दाल रखी हुई है, जिसको मैंने इस घोटे से अच्छे से घोट लिया है, और ये जब से ही बिल्कुल लो फ्लेम पर पक रही है तो देख लीजिए आप इसमें कितना अच्छा सा लेस आ गया है और कितनी अच्छी ये घुट गई है। तो अगर आपको उड़द गोश्त टेस्टी बनाना है, जायकेदार बनाना है, तो थोड़ी सी दाल में मेहनत कर लीजिएगा तो ज़बरदस्त आपका सालन तैयार हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें रेडी हैं, अब इनको असेंबल करेंगे एक भगोने में। तो मटन को हमने एक पतीले में ट्रांसफ़र कर दिया है, और अब हम डाल देते हैं इसके अंदर अपनी दाल। दाल की क्वांटिटी मैंने थोड़ी कम ही ली है, आप चाहें तो दाल 400 ग्राम तक ले सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 कप ही ली थी। गोश्त में हमने उड़द डाल दी है, तो ये काफ़ी थिक हो जाएगा पकने के बाद। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी, 2 ग्लास पानी डाल रही हूँ, प्रेशर कुकर में मिक्स करके डाल रही हूँ, ताकि जो दाल लगी हुई है वो भी इसी में आ जाए। तो सालन की कंसिस्टेंसी आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। ये अब ठीक है, तो अब हम डालेंगे इसके अंदर अदरक और हरी मिर्चें, नमक चेक कर लीजिएगा। अदरक इसमें ज्यादा जाती है क्योंकि उड़द बादी होते हैं, तो अदरक डालना जरूरी है। मिक्स कर लेते हैं, देखिए कितना खूबसूरत हमारा उड़द गोश्त का सालन नजर आ रहा है। लेकिन अभी थोड़ी देर इसे हम और पकाएंगे, तो इसको कवर करके हम बिल्कुल लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए पकने देंगे। सालन को बनते हुए या पकते हुए 10 से 12 मिनट हो गए हैं, बस इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है, क्योंकि इसके बाद ये और ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो इसको एक साइड में मैं पकने देती हूँ लो फ्लेम पे। अब हम लगा लेते हैं, अंदर हमने डाल दिया है 1/2 कप ऑयल। लेते हैं हम इसके अंदर ये प्याज, और प्याज को हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो गए, गैस बंद कर देते हैं और डाल देते हैं अपने सालन पर। तो हमारा उड़द गोश्त तैयार हो गया है, और कितना ज़बरदस्त ये नज़र आ रहा है। ये देखिए आप कितना जायकेदार, खुशबूदार, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी। चावल से खाएंगे या रोटी से खाएंगे। तो बस अब डाल देते हैं हम इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला, और 2 मिनट कवर करके छोड़ती हूँ, फिर आपको डिश आउट करके। देखिए तैयार है हमारा उड़द गोश्त। गार्निश करेंगे हम इसको अदरक के साथ, क्योंकि इसके साथ अदरक बहुत अच्छी जाती है, और थोड़ी सी हरी मिर्चें, चाहें तो आप हरा धनिया भी डाल दीजिए, और अब जाएगा इसके ऊपर लेमन जूस, क्योंकि हमने इसके अंदर टमाटर वगैरह नहीं डाले हैं, तो इस पे डालते हैं हम अच्छा खासा लेमन का जूस। तो तैयार हो गया है हमारा उड़द गोश्त, सर्व कीजिए नान के साथ, चपाती के साथ, या फिर चावल के साथ। चावल के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।